ठीक है बच्चों अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स फाइव कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई क्या ये फंक्शन पाई पे कंटिन्यूअस है ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है कंटिन्यूअस है क्यों बिकॉज एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है फाइव कंटिन्यूअस फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वेश्चन सब कंटिन्यूअस होता है और इस फंक्शन का डोमेन क्या ऑल रियल नंबर क्यों बिकॉज एक्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है साइन एक्स फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है फाइव इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर ऑल रियल नंबर तीनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है तो एफ एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर पहले तो ये पता चल गई बात हमें <coughs> अब बच्चों क्या है कि ये डिपेंड करता है अगर कर, मान लो ना कि जैसे ये दो मार्क्स का आ गया टू मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इसको तुम कैसे लिखोगे इसको तुम ऐसे लिखोगे कि वी नो डेट एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ठीक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर फाइव इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन अगेन कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो सम डिफरेंस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूस तो ये लिख दो कभी कभी हो सके मान लो कि सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस है पाई पे कंटिन्यूस है बट लिखना कैसे है इसको उसको मैं बता रहा हूं लिखना हमें इस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या गिवेन है फंक्शन गिवेन एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव अगर मैं बोलूं कि फंक्शन का डोमेन क्या होगा ऑल रियल नंबर ठीक है फंक्शन का वैल्यू पाई पर क्या होगा बस कुछ नहीं पाई डाल दो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव तो ये क्या हो गया पाई स्क्वायर साइन पाई क्या होता है जीरो तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव हो गया ठीक है अब हमें पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और पाई पर राइट हैंड लिमिट एक देखो अब यहां पे फिर लिमिट का कंसेप्ट आ गया पाई पर हमें चेक करना है ना एक्चुअल तो ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो पाई पे भी कंटिन्यूस होगा ठीक है तो अब यहां पे एक तो रास्ता ये है कि हम पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें एक तो है कि पाई पर राइट हैंड लिमिट निकाल निकाले और फिर हम लोग दिखा दे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और फंक्शन का वैल्यू भी पाई पर सेम है तो फिर फंक्शन पाई पर कंटिन्यूअस हो गया दूसरा क्या है कि हम डायरेक्ट पाइप पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जगह डायरेक्ट पाइप लिमिट निकाल ले बिकॉज पे तो फंक्शन टूट नहीं रहा पाइप टूट नहीं रहा है ना तो डायरेक्ट पर लिमिट निकाल ले अब मैं ना करके दिखा देता हूं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गाइड में कुछ कुछ अलग अलग लिखा होता है कोई पाइप पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कोई राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाएंगे कि पाइप पर लिमिट exist कर रहा है और वो एफ ऑफ पाई के इक्वल है किसी गाइड तुम लोग बहुत बच्चे गाइड से देखते हैं तो गाइड हमेशा मिस गाइडिंग होता है याद रखो गाइड इज इक्वल टू मिस गाइड ये बिल्कुल सही है अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना भी है ना तो किसी ऑथेंटिक बुक से देखो लाइक आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा इस बुक से देखोगे ना तो उसमें क्या होता है सॉल्यूशन ऑथेंटिक होता है और बाकी जो ऐसे गाइड होती है ना पता नहीं कौन कौन सी गाइड आती है उन सब गाइड में क्या होता है कि वो ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं उस गाइड को कोई ये क्या बोलते हैं एमएससी पीएचडी एच क्या प्रोफेसर नहीं लिख रहा होता है उस गाइड को कौन लिख रहा होता है एक जिसको मैथ्स का एबीसीडी भी नहीं आता उस गाइड को लिख रहा होता वो लिख रहा होता कैसे कुछ नहीं है कंप्यूटर पे चार पांच गाइड का मिला दिया इसका क्वेश्चन ये उठाया उसका सारे गाइड का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया एक्सरसाइज पांच गाइड रखा एक्सरसाइज इस गाइड से ये क्वेश्चन का क्वेश्चन सोल्यूशन उठाया इस गाइड से क्वेश्चन का सोलूशन उठाया मिला के रख दिया तो वो इंपॉर्टेंट ये है कि गाइड से नहीं पढ़ो ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है अगर तुम्हें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो या तो टीचर से कंसल्ट करो या तो अगर कोई ऑथेंटिक बुक जैसे आर एस बोला या तो फिर टीचर या तो अपना दिमाग लगाओ ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत सारे इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले मैं तुम्हें बता दू कि लिमिट का क्या फॉर्मला है वो बता दू अगर मान लो कि हमें चाहिए ना ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू मान लो एल्फा पर यह तुम लिमिट से जानते हो इसको हम क्या निकाल लेफ्ट लिमिट को एल्फा पे क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एल्फा पे निकालना है ना तो उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स इजेंडिंग टुअर्ड्स एल्फा माइनस इसको हम लिखेंगे एच इजेंडिंग टूआर्ड जीरो माइनस एच वेर एच इज पॉस्टिंग ये बड़े काम का फॉर्मूला है अगर हमें अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या करते हैं अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया भी हमने एक्स इज अप्रोचिंग टू अल्फा माइनस इसको हमने क्या कर दिया फंक्शन <coughs> में x की जगह क्या डाल दिया अल्फा माइनस एच डाल दिया और h को जीरो अप्रोच करा दिया तो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया अल्फा पे ठीक है अब क्या करते हैं फंक्शन का राइट हैंड लिमिट देखते हैं अल्फा पे 79, is 80. अगर हम ना राइट हैंड लिमिट देखते हैं अल्फा पे तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज निकालते हैं इसको हम ऐसे बोलते हैं क्या होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टू आर जीरो प्लस एच वेयर एच इज पॉजिटिव ये फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होता है ठीक है अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोलूं कि लिमिट एक्स इजेंडिंग टुअर्ड्स एल्फा एफ एक्स अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट लिमिट कैसे निकाल सकते हो ऐसे निकाल सकते हो लिमिट एच ऑफ टीरोक्स प्लस एल्फा इसी में दोनों आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया राइट हैंड लिमिट भी आ गया ये डिपेंड करेगा अगर एच को तुम ग्रेटर देन जीरो लोगे पॉजिटिव लोगे सॉरी एक्स प्लस एल्फा प्लस एच जगह क्या डाल दिया अल्फा प्लस एच ठीक है तो इसी में ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया ये तो मैं लिमिट पढ़ाने लगा यार कंटिन्यूटी छोड़ के लिमिट समझाने लगा इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गया अगर तुमने एच को पॉजिटिव मान लिया ना तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा अगर तुमने एच को पॉजिटिव मान लिया तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा ठीक है और एच को अगर तुमने निगेटिव मान लिया तो क्या जाएगा? आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिटेट एक्स इज इक्वल टू एल्फा ठीक है बट अगर तुमने एच को बोल दिया ना कि एच स्टैंडिंग टूआर्ड जीरो तो जीरो को किधर से अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से या राइट से वो तो नहीं बताया तो ये वाला जो चीज है ना ये लिमिट है किस पर एक्स इज इक्वल टू एल्फा पे ये डायरेक्ट लिमिट निकलेगा इससे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगा इससे राइट हैंड लिमिट निकलेगा इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा ये वाला जो चीज है ना इससे इससे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा मैक्सिमम बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यह फॉर्मुला यूज करते हैं तो मैं इससे भी करके दिखा दूंगा इससे भी करके दोनों केस से मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा इससे मैंने कई बार बोल दिया कि इससे डायरेक्ट लिमिट निकलेगा यहाँ पे एच को अगर पॉजिटिव माना तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा देखो ना एच अगर पॉजिटिव है तो एल्फा में कुछ ऐड हो रहा है ना तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा एच अगर निगेटिव है तो एल्फा में सबट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा मैं दोनों केस से करके दिखा देता हूँ इसलिए कि बच्चे तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग में ये वाला ज्यादा प्रचलन में है ऐसे बिकॉज गाइड में ये प्रचलन में है ऐसे गाइड में अक्सर सॉल्व करते चलो मैं दोनों करके दिखा देता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना हो पाई पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है नौ पाई पे बोल है ना एक्स इज इक्वल टू हमने पाई लिया पाई हैंड लिमिट, है, तो लिमिट, हैं लिमिट निकालना है पाई पर क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट तो एच को जीरो तो क्या हो जाएगा लिमिट एच स्टैंडिंग टुवर्ड्स जीरो फंक्शन में क्या डाल देंगे पाई माइनस एच फंक्शन हमारे पास क्या है फंक्शन बच्चों हमारे पास है ट्वेंटी है ना क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स का मतलब पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स तो साइन पाई माइनस एच और प्लस फाइव ठीक है अब यहां से जो मिलेगा ना हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ठीक है अब यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई माइनस एच किया है ना यहाँ पे एच इज ग्रेटर देन जीरो है एच हमारा पॉजिटिव है देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताया था यहाँ पे बोला था ना एच इज पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे निकालते तो पॉजिटिव होता है ऐसे लिखते हैं तो एच कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता अगर हमने एच को पॉजिटिव ले लिया तो राइट हैंड लिमिट एच को निगेटिव ले लिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट और बस ऐसे में अगर लिमिट निकाल लिया इसका लिमिट निकाल लिया तो वो सीधे लिमिट आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ जाएगा ठीक है ये तो हो गई बात तो अब यहां पे एच तो पॉजिटिव है तो इसको हमने क्या लिखा लिमिट एच इजिंग टूआर्स जीरो चलो इसको फॉर्मले पे खोल देते हैं ए स्क्वायर माइनस टू पाई एच प्लस एच स्क्वायर ऐसे कर दिया माइनस साइन वन थीटा क्या होता है साइन ये पता होना चाहिए शुरू करो लिमिट रखोगे तो ये क्या हो जाएगा ये तो पाई स्क्वायर ही रह गया ठीक है यहां एच को वैल्यू जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा यहां जीरो डालोगे तो ये दोनों जीरो माइनस यहां एच की जगह जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो तो पाई स्क्वायर प्लस फाइव हो गया

माइनस क्या है साइन एक्स तो एक्स की जगह पाई प्लस एच और प्लस फाइव तो यह हमें क्या मिल गया लिमिट क्या होता है 180 एट्टी प्लस सीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एच हो जाएगा प्लस फाइव तो हमें क्या मिला लिमिट एच इज इजेंडिंग टूअर्ड जीरो चलो लिख ही देता हूं यार पाई स्क्वायर प्लस टू पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन एच प्लस फाइव अब जहां जहां तुम एच दिख रहा वहां वहां जीरो डाल दो तो ये जीरो ये 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 और ये फाइव हो जाएगा तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया और फंक्शन का वैल्यू निकाल लो पाई पर क्या है देखो फंक्शन का वैल्यू तो हमने पाई पे ऑलरेडी निकाल रखा है देख लो पाई स्क्वायर प्लस फाइव इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया चलो इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया इसको हमने थर्ड इक्वेशन बोल दिया ठीक है क्वेश्चन नंबर एट्टी पेज नंबर एट्टी एट्टी वन ठीक है तो इससे हमें क्या पता चला फ्रॉम वन टू एंड थ्री हमें पता चला लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स पाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई ये एफ ऑफ पाई के इक्वल हो गया तो यहां से हमें पता क्या चला कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टुवर्ड्स पाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई This implies that function is continuous at x is equals to pi. function क्या हमारा pi पे continuous है आगे बात समझ में एक तो ऐसे हो गया दूसरा method टू क्या है ये कोई मेथड मेथड नहीं है मतलब बस लिमिट निकालने का हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाला इसमें हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे फंक्शन हमारा क्या है फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस फाइव तो यहां से एफ ऑफ पाई क्या होगा एफ ऑफ पाई होगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव साइन पाई क्या होता है जीरो तो यहां जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस फाइव ऐसा हो गया ठीक है अब हमने निकाला लिमिट अब डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं करेंगे डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे लिमिट एच इज टेंडिंग टू तो आर जीरो एफ ऑफ एक्स तो इसको हम क्या लिखेंगे सॉरी

फंक्शन में पाई एक्स की जगह डाल दिया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस फाइव ये तो लिमिट में समझाने लगा ये इसमें डाल दिया तो ये हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टू आर जीरो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस टू पाई एच प्लस एच स्क्वायर साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो ये हो गया माइनस साइन पाई प्लस फाइव हो गया लिमिट एच इज स्टैंडिंग टू आर जीरो पाई स्क्वायर टू पाई एच प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन पाई अच्छा यहां पे एच होगा क्या लिख रहा हूं एच तो प्लस साइन एच प्लस, प्लस फाइव एच को जीरो पुट करो ये जीरो ये जीरो ये जीरो तो क्या हमें मिल गया पाई स्क्वायर प्लस फाइव यह डायरेक्ट लिमिट मिला ये हमें ना देखो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लिया है डायरेक्ट हमें मिला पाई स्क्वायर प्लस फाइव इसको हमने सेकेंड इक्वेजन मान लिया और इसको हमने फर्स्ट इक्वेजन मान लिया ठीक है क्या लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू लिमिट एक्स क्स इजेंडिंग टूअर्ड्स पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई दिस डेट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई हो गया फंक्शन क्या है पाई पे कंटिन्यूस है आई होप मैंने काफी समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा ऑल ऑफ माई बेस्ट जितना मुझसे हो सकता है मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को भी ध्यान में रख के एक्सप्लेन किया कि लिमिट में अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं किया तो उन्हें समझ में नहीं आता है वो अक्सर इस फॉर्मूले पे कंफ्यूज करते हैं अक्सर बच्चे ये डायरेक्ट लिमिट निकलता है इससे इस फॉर्मूले इस को यूज करके ठीक है और ये है इससे राइट हैंड लिमिट निकलेगा पाई प्लस है ना अल्फा प्लस एच और इससे हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा ठीक है जनरली गाइड वाइड में ये सब यूज किए होते हैं ये वाला लिमिट यूज किया होता है ये थोड़ा इजी होता है ना विजुलाइज करने में आसानी हो जाता है एच अगर पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस एच को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस एच जो होगा ये अल्फा से बड़ा होगा तो अगर अल्फा प्लस एच अल्फा से ग्रेटर है तो उस पर फंक्शन के वैल्यू को हम विजुलाइज कर लेंगे कि क्या हो सकता है अगर हमने एच को पॉजिटिव माना तो एल्फा प्लस एच पे फंक्शन के वैल्यू को हम विजुलाइज कर लेंगे और यहाँ पे अगर एल्फा माइनस एच लिखा है और एच पॉजिटिव है तो एल्फा एल्फा माइनस एच एच से जस्ट थोड़ा छोटा नंबर होगा तो फिर उस पर भी हम फंक्शन के वैल्यू को क्या कर लेंगे विजुलाइज कर लेंगे तो ये सब बेनिफिट होता है ठीक है ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आई थिंक हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में जो है ना तीन टाइप्स के तीन फंक्शन दे रखे हैं ठीक है चलो मैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लिखता हूं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में क्या है डिस्कस द कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए में क्या दे रखा है एक्स किसके इक्वल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बी पार्ट में क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स सी में क्या दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स बोला कंटिन्यूटी पे डिस्कस करो एक एक सेकंड का एक क्वेश्चन है अगर ये सिंपल सी बात है इसको बिना पेन उठाए तुम समझ रहे हो कि ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है ये भी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है ये भी पूरे रियल नंबर पे है आ रही बात समझ में तीनों फंक्शन का डोमेन की ऑल रियल नंबर और तीनों फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस है साइन एक्स भी कंटिन्यूस होता है कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होता है तो उसका सम और डिफरेंस भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा सम भी कंटिन्यूस होगा डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा अगर साइनेक्स अपॉन कॉसक्स लिखा होता तो टेन एक्स बन जाता तो टेनएक्स भी कंटिन्यूस होता बट पूरे सॉरी पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस नहीं होता जहां जहां पे टेन एक्स डिफाइंड होता ना वहां वहां वो कंटिन्यूअस होता तो ये जो है ये तीनों फंक्शन एवरीवेयर वेयर है बिकॉज तीनों का डोमेन ऑल रियल नंबर है और पूरे रियल नंबर पे तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस है बट अगर साइन एक्स अपॉन कॉसक्स होता विच इज टेन एक्स तो टेन एक्स फंक्शन का तो डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता है बट टेन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है टेन एक्स अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे लिखेंगे वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इसमें अब फिर बच्चे क्या करने लगते हैं बताता हूं कंफ्यूजन कहां है जैसे बता रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार और लिखता हूं एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा एल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टुअर्ड्स एल्फा माइनस एफ एक्स ये क्या होता है लिमिट एच इज इजेंडिंग टूआर्ड्स जीरो एफ ऑफ एल्फा माइनस एच वेयर एच इज पॉजिटिव यह लेफ्ट हैंड लिमिट होता है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा एल्फा पर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूआर्स एल्फा प्लस एफ एक्स इसको हम लिखेंगे लिमिट एच इज ट्रेंडिंग टूअर्स जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो अल्फा पे क्या हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ठीक है और एक तो ऐसे हो गया दूसरा क्या है लिमिट एक्स इज टेंडिंग डायरेक्ट अल्फा पे लिमिट निकालना है तो ये क्या होता है लिमिट एच इज टेंडिंग टू आर जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच ठीक है यहां पे एच हमारा पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा निगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा ये जो वैल्यू है ये क्या देगा सीधे लिमिट देगा फंक्शन का एल्फा पे ये बात समझनी है तुम्हें ठीक है अब बहुत बच्चे क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट right हैंड लिमिट करते हैं ठीक है कुछ बच्चे डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं गाइड में अक्सर ऐसे दिया होता है पहले अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेगा फिर राइट हैंड लिमिट निकालेगा ठीक है तो देख लो एक क्वेश्चन मैं करता हूं क्या? कि लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके निकाल देता हूं एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से निकाल देता तो हूं ऐसे भी ऐसे भी और बाकी दूसरे और तीसरे को मैं सिर्फ डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा ठीक है कर देता हूं इसको तो ए पार्ट में आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले फंक्शन के डोमेन पर चर्चा कर लेते हैं फंक्शन का डोमेन क्या ऑल रियल नंबर ए में क्या है? हमारे पास फंक्शन क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर कॉस एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर अब ठीक है हमने मान लिया कि लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर कोई भी हमने रियल नंबर ले लिया एल्फा तो चलो मेथड वन ऐसे कोई मेथड वेथर्ड वन टू नहीं है बट फिर भी देख लो यहाँ पे हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा एल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूआर्स एल्फा माइनस एफ एक्स ठीक है तो इसको हम क्या लिखेंगे लिमिट एच इजेंडिंग टू आर्स जीरो एफा ऑफ एल्फा माइनस एच तो लिमिट एच इजेंडिंग आर ज़ीरो फंक्शन में एक्स की जगह अल्फा माइनस एच तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस एच प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस एच ऐसा हो जाएगा साइन में हमने क्या करेंगे अल्फा माइनस एच डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक ये हो गया तो ठीक है इसको अब सॉल्व करते हैं लिमिट एच इज टेंडिंग टुअर्ड जीरो इसको बस फॉर्मूले पे ले आते हैं देखो साइन ए कॉस बी साइन ए ये तो फॉर्मूला आता होगा माइनस कॉस एल्फा साइन एच ऐसे लिख लिया साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो कॉस एल्फा कॉस एच प्लस साइन एल्फा साइन एच अब ये हो गया लिमिट एच इज ट्रेंडिंग टूआर्ड जीरो एच का वैल्यू जहां तुम्हें जीरो दिख रहा है सीधे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा यहां जीरो डालोगे तो ये तो वन हो जाएगा यहां जीरो डालोगे तो ये जीरो तो ये पूरा तो तो जीरो, जीरो, तो जीरो हो गया यहां जीरो डालोगे तो ये वन हो जाएगा यहां जीरो डालोगे तो साइन जीरो जीरो होता है तो ये पूरा ज़ीरो हो गया तो फाइनल हमें क्या मिलेगा इसका वैल्यू सीधे लिखो ये तो वन हो गया तो ये हो गया साइन एल्फा ये हमारा जीरो तो इस पूरे को ज़ीरो कर देगा ये हमारा जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो वन होता है तो प्लस कॉस एल्फ़ा ऐसा आ गया और ये हमारा जीरो डालेंगे पूरे को ज़ीरो कर देगा अब हमने लिखा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूआर्स एल्फा प्लस एफ एक्स तो ये क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टूआर्स जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच तो ये क्या होगा लिमिट एच टेंडिंग टुअर्ड्स जीरो साइन ऑफ एल्फा प्लस एच प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस एच ऐसे डाल देंगे चाहो तो इसको लिमिट को अलग अलग कर लो ऐसे कर लो लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्स जीरो साइन ऑफ एल्फा प्लस एच लिमिट एच इजेंडिंग टुअर्स जीरो कॉस ऑफ एल्फा प्लस एच तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्ड जीरो साइन एल्फा इंटू कॉस एच प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एच लिमिट एच इज स्टैंडिंग टू आर जीरो कॉस कॉस एच प्लस है तो माइनस साइन एल्फा साइन एच ठीक है अब यहां पे कुछ नहीं बच्चों बस लिमिट हमें ध्यान में रखना है तो इसमें देखो एच को जीरो डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा यहां जीरो डालेंगे एच को तो वन तो यहां से तो साइन एल्फा मिला यहां जीरो डालेंगे तो ये पूरा जीरो यहां डालेंगे तो प्लस कॉस एल्फा मिला ये इतनी मेहनत करनी नहीं है बस मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को रीजन ये है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन एक परसेंट का भी ना रहे इतना करना थोड़े ना बता रहा हूं लास्ट में क्या करना है ठीक है ये हो गया वन और टू हो गया अब आ जाते हैं हम लोग ये पेज नंबर कौन सा हो गया पेज नंबर एट्टी थ्री अब आ जाते हैं पेज नंबर एट्टी फोर में पेज नंबर एट्टी फोर में क्या है अब निकालते हैं फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया अल्फा uh, पे राइट हैंड लिमिट निकाल लिया फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे क्या होगा यही तो होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा यही होगा ना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा ठीक है तो उसके लिए क्या होगा यहां पर हमारे पास इसको हमने थ्री बोल दिया इसको हमने क्या बोल दिया वन टू थ्री तो फ्रॉम वन टू थ्री क्या होगा फ्रॉम टू एंड थ्री वन टू थ्री से क्या होगा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूआ्स एल्फा माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूअर्ड्स एल्फा प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा तो यहां से हमें क्या पता चला लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूअर्स एल्फा एफ एक्स इक्वल हो गया एफ ऑफ एल्फा के इक्वल हो गया दिस इंप्लाइज डेट क्या है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा एल्फा पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया और एल्फा क्या हमारा रियल नंबर दिस इंप्लाइज डेट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये तो हो गया इतना लंबा चौड़ा तब करेंगे जब क्वेश्चन हो मतलब सिक्स मार्क्स का पूछिए तब इतना लंबा चौड़ा करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग से निकाल लिया राइट हैंड लिमिट को अलग से निकाल लिया फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे देख लो ये कोई मेथड वेथड नहीं है बट फिर भी अलग अलग लिमिट यूज कर रहा हूं तो अलग अलग कर लिया बस कोई ऐसे कुछ है नहीं एफेक्ट क्या हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे दे रखा है ठीक ठीक है तो लेट इसको हमने ऐसे बोला लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर हमने कोई भी निकाल लिया अल्फा कोई भी रियल नंबर मान लिया डोमेन क्या दे रखा है फंक्शन का ऑल रियल नंबर तो फंक्शन का वैल्यू अल्फा पे क्या होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन एल्फा प्लस कॉस अब मैं डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा एक्स इज ट्रेंडिंग टूआर्ड्स एल्फा एफ एक्स कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं एच को जीरो कर दिया एफ ऑफ क्या डालेंगे एल्फा प्लस एच डालेंगे तो ये क्या हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टू आर जीरो साइन एक्स की जगह एल्फा प्लस एच यहां डालेंगे तो ये हो गया एल्फा प्लस एच प्लस कॉस ऑफ क्या हो गया एल्फा प्लस एच अलग अलग कर लो इसको इसको तुम लिख लो लिमिट एच इजेंडिंग टू आर जीरो साइन ऑफ एल्फा प्लस एच प्लस लिमिट एच इज इजेंडिंग टुअर्स जीरो कॉस ऑफ एल्फा प्लस एच ऐसे डाल लो तो यहाँ हो गया लिमिट एच इज टुअार्ड जीरो साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन या तो हमें डायरेक्ट पता है एक तो फॉमूला करके डाल सकते हो दूसरा कि एच को यहीं जीरो डालो यहां साइन एल्फा आ जाएगा लिमिट यहीं एच को जीरो डालो कॉस एल्फा आ जाएगा लिमिट बट फिर भी चलो मैं करके दिखा रहा हूं साइन ए कॉस एच प्लस कॉस एल्फा साइन एच ये हो जाएगा ना इसका ये तो मैंने इसकी जगह लिख लिया प्लस ये क्या हो जाएगा लिमिट एच इजिंग टूअर्ड जीरो कॉस एल्फा कॉस एच माइनस साइन एल्फा साइन एच ऐसे हो जाएगा देख लो ना यहां पे देख लो एच को जीरो डालोगे तो फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी का एच को यहां जीरो डालोगे तो क्या बचेगा साइन एल्फा एच को डालोगे तो कॉस जीरो तो वन होता है यहाँ एच को जीरो जीरो होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो यहां डालो तो जीरो डालोगे तो कॉस जीरो मिल रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है देख लो फंक्शन का वैल्यू भी मिल रहा है ना साइन अल्फा कॉस अल्फा और फंक्शन का लिमिट क्या मिल रहा है देख लो फंक्शन का लिमिट भी मिल रहा है इसको तुमने सेकंड इक्वेशन मान लिया ठीक है ये देख लो इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया ठीक है तो इसको क्या करेंगे फ्रॉम वन एंड टू क्वेश्चन नंबर एटी फोर तो इसको हम क्या बोलेंगे एटी फाइव फ्रॉम वन एंड टू लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टूअर्ड्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा दिस एम्प्लाय राइट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू एल्फा दिस एम्प्लाय इज राइट फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर फंक्शन क्या होगा पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूस होगा ठीक है बच्चों तो एक तो ऐसे हो गया देखो मैंने कितने मेथड से कर दिया पहला मेथड सेकंड मेथड मतलब लिमिट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिमिट यूज कर रहे हैं तो उसको मैं मेथड कर दे रहा हूं बट ये एक ही मेथड है एक मेथड थ्री और बताऊंगा मैं तुम्हें जो बिल्कुल डिफरेंट है इसमें हम लोग कहीं लिमिट यूज ही नहीं करेंगे हम लोग थ्योरम से बोल देंगे कि मेथड थ्री अगर फंक्शन ये क्वेश्चन आ जाए ना दो मार्क्स का तो ऐसे लिखेंगे इट इज नोन डैट इफ एफ ऐसे लिख लो गए लैंग्वेज इट इज नोन दैट इट इज नोन दैट इफ जी एंड एच आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन जी प्लस एच g minus h and g into h are also continuous. ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा ठीक है तो इसके बाद क्या होगा कि अगर हमें g प्लस एच दे रखा है g माइनस एच दे रखा है तो ये भी कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए तुम क्या करोगे ऐसे लिख सकते हो एफ एक्ट क्या है एफ एक्स इसके लिए तुम कंटिन्यूस होगा ये पूरे रियल नंबर पे इसको तुम ऐसे देखो एफ एक्स को मान लिया हमने साइन एक्स मान लिया तो ये क्या हमारा कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और जी एक्स को हमने क्या मान लिया कॉस एक्स मान लिया जी एक्स को कॉस एक्स मान लिया ये भी हमारा क्या है कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये दोनों क्या हमारा कंटिन्यूस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जिसको हमने एच एक्स सॉरी एफ एक्स नहीं मानो हमारा जो मेन फंक्शन तो एफ एक्स है ना एक काम करो इसको तुम एच एक्स फंक्शन मानो एच एक्स एफ की जगह एच मान लो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा एच एक्स प्लस डीएक्स और ये दोनों रियल नंबर पे कंटिन्यूस है विच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ठीक है तो क्या हो जाएगा ये भी क्या हमारा इसको मान लो वन मान लो इसको मान लो टू यहां पे डायरेक्ट फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू एफ एक्स विच इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल बिकॉज ये क्या है दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम है ना तो अगर ये दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम है तो ये भी क्या होगा पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा ठीक है बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन का फर्स्ट पार्ट अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ठीक है बच्चों अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के सेकेंड पार्ट में इसमें क्या दे रखा है इसमें अब मैंने क्या बोला एक तो मेथड थ्री ये यूज कर सकते हो बिल्कुल एक्जैक्टली exactly ऐसे लिख लो काम चल जाएगा और एक तो मेथड टू मैं क्या करूँगा मेथड टू से इस वे से प्रूफ करूँगा एक तो मेथड वन इसमें जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाला हमने अल्फा माइनस पे अल्फा प्लस पे ऐसे कर सकते हो ठीक है मैं क्या करूँगा मेथड टू यूज करूंगा तुम क्या करना एक बार मेथड वन से मेथड टू से और मेथड थ्री से तीनों से सॉल्व कर लेना मैं सिर्फ मेथड टू यूज करूंगा ठीक है सोल्यूशन एफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डोमेन फंक्शन का क्या दे रखा है ऑल रियल नंबर हम लोग मान लेंगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर हमने अल्फा मान लिया रियल नंबर का अब हमने क्या किया लिमिट निकाला एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स अल्फा डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे एफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स स्टैंडिंग एच स्टैंडिंग टुअर्ड्स जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच तो क्या होगा लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्ट जीरो यहां क्या होगा साइन ऑफ एक्स की जगह क्या डालेंगे एल्फा प्लस एच माइनस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा एल्फा प्लस एच ऐसे हमने डाल दिया चाहो तो अलग अलग लिमिट कर लो लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्ट जीरो साइन ऑफ एल्फा प्लस एच माइनस लिमिट एच इज टू आर्ट जीरो कॉस ऑफ एल्फा प्लस एच साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यही होता है ना फॉर्मूला तो हो जाएगा लिमिट एच इजेंडिंग टू आर जीरो हो गया हमारा माइनस लिखा लिमिट लिखा एच इजेंडिंग टू आर्ट जीरो क्या कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन एंटू साइन बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी ठीक है अब तुम देखो जहां पे जीरो है ना वहां पे जीरो पुट कर दो यहां पे जीरो पुट कर दो ये जीरो यहां जीरो पुट करोगे कॉस जीरो क्या होगा वन तो यहां से हमें क्या मिलेगा साइन एल्फा ठीक है ये डायरेक्ट लिमिट आ गया अब यहां एच को जीरो पुट करोगे कॉस जीरो से कॉस तो तो एल्फा यहां जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो माइनस क्या है आ एल्फा पे साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा जो कि इक्वल होगा फंक्शन का वैल्यू एल्फा पे देख लो आप एल्फा डालोगे क्या साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा तो हमें क्या पता चला लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टुअर्ड्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फाइल इससे हमें क्या पता चला फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एल्फा एल्फा क्या हमारा रियल नंबर तो हम क्या बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया हमारा सॉल्व ये मैंने मेथड टू से डायरेक्ट कर दिया ये करोगे काफी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये एक तो ये भी बोल सकते हो साइन एक्स कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे कॉस एक्स कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे and we know that the difference of two continuous function is a continuous function hence sin x minus cos x is a continuous function इससे भी काम चल जाएगा ठीक है और तीस फर्स्ट मेथड क्या बताया था कि तुम पहले क्या करो अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो फिर अल्फा पे राइट हैंड लिमिट निकालो फिर अल्फा पे फंक्शनल वैल्यू निकालो फिर उसको इक्वल करो ऐसे भी कर सकते हो ठीक है अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं सारे कर दूंगा सॉल्व तो मैं कर रहा हूं जबकि थर्ड पार्ट में क्या हमारा एफेक्ट थर्ड नहीं सी पार्ट ये ए पार्ट था ये बी पार्ट था और ये सी पार्ट है सी पार्ट में क्या हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है तो फिर वही काम करेंगे ये सी पार्ट है तो सॉल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन में हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है इस फंक्शन का डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर है ठीक है अब इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर अब हम लोग क्या करेंगे इसका लिमिट निकालते हैं लेट वाई एक्स लेट एल्फा बिलोंग्स टू आर एल्फा हमने रियल नंबर ले लिया कोई लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूआर्ड्स एल्फा एफ एक्स इसको हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्ड्स तो जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच ये क्या हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टूआर्स तो जीरो फंक्शन में एक्स की जगह क्या डाल देंगे एल्फा प्लस एच तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस एच इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच ऐसे आ गया ठीक है इसको हमने अलग अलग कर दिया लिमिट एच स्टैंडिंग टूअर्स जीरो प्रोडक्ट है ना लिमिट कैसे कर सकते अल्फा प्लस एच इसका लिमिट निकाल दिया फिर यहां बोला लिमिट एच स्टैंडिंग टूअर्ड जीरो कॉस ऑफ अल्फा प्लस एच तो ये हो गया लिमिट एच इजेंडिंग टूअर्स जीरो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी तो यहाँ लिखेंगे साइन ए कॉस एच प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन एच यहाँ लिखा ले में टेच टू आर जीरो कॉस एल्फा कॉस एच माइनस साइन एल्फा साइन एच ठीक है अब कोई बात नहीं लिमिट डाल दो यहाँ एच को जीरो डालोगे तो साइन जीरो इज जीरो पूरा कैंसिल हो जाएगा टर्म यहाँ एच को जीरो डालोगे कॉस जीरो इज वन तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा साइन एल्फा यहाँ पे डालो जीरो यहाँ पे एच को जीरो डालोगे तो साइन ज़ीरो पूरा टर्म जीरो यहाँ पे एच की जगह ज़ीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन तो यहाँ क्या बचेगा कॉस एल्फा विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा दिस इम्प्लाईज रेट क्या मिला हमें लिमिट एक्स इज ट्रेंडिंग टुआर्स एल्फा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा ऐसे मिल गया ना this implies that function is continuous at x is equals to alpha. alpha पे continuous है. this implies that function is continuous for all x belongs to R. एक तो ऐसा हो गया ये alpha लिख रखा है. एक तो ऐसे हो गया. दूसरा तुम क्या कर सकते हो? दूसरा तुम सिंपल कर सकते हो कि sine x is a continuous function. ठीक है cos कॉसेक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड वी नो डेट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन्यूअस फंक्शन ठीक है या फिर तुम भाई एल्फा मान लो रियल नंबर कोई भी और रियल नंबर मान लो फिर एफ एक्स को लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फिर उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जो भी फॉर्मला बताया फिर उस पर राइट हैंड लिमिट निकालो फॉर्मले से फिर एफ ऑफ एल्फा निकालो फिर देखाओ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एल्फा तो क्या हो गया फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस हो गया इसका मतलब फंक्शन पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया है ये रास्ता है एक तुम्हें करके दिखा दिया ठीक है तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में